हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सीएनसी से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि आपको कहीं पे भी जहां सीएनसी मशीन्स यूज़ होते हैं वहां पे पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन ये है कि हु इज़ द फादर ऑफ सीएनसी, जो कॉमन क्वेश्चन हो सकती है। इसका आंसर होगा जॉन टी पार्सन्स। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सीएनसी मशीन्स। जनरली 6 एलिमेंट्स होते हैं, जो कि है इनपुट डिवाइस, सीपीयू या मशीन कंट्रोल यूनिट, मशीन यूनिट, मशीन टूल, ड्राइविंग सिस्टम जिसमें मोटर्स आते हैं, फीडबैक डिवाइस और डिस्प्ले यूनिट, जो कि हमें स्क्रीन के ऊपर जो डिस्प्ले यूनिट दिखती है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मिलिंग एंड टर्निंग। जनरली जो 5 मेजर डिफरेंस है वो मैंने यहाँ पे नोट किया है। मिलिंग में जो है जॉब कैन बी सिलेंड्रिकल, फ्लैट और एनी अदर शेप। टर्निंग में है कि जॉब यूजुअली सिलेंड्रिकल ही होते हैं। मिलिंग में से कटिंग स्पीड जो कैलकुलेट की जाती है टूल के डायर के बेसिस पे, कटिंग स्पीड टर्निंग में कैलकुलेट की जाती है वर्कपीस के डायर के बेसिस पे। थर्ड डिफरेंस है कि जेड एक्सिस जो है वर्टिकल होती है मिलिंग में अलोंग द स्पिंडल, टर्निंग में जो है जेड एक्सिस हॉरिजॉन्टल होती है अलोंग द स्पिंडल। फोर्थ डिफरेंस है कि कटिंग एजेस जो है मिलिंग में मोर देन वन ऑलवेज हमेशा 3 या 6 या 9 इस तरह रहेंगे, टर्निंग में हमेशा कटिंग एजेस ओनली 1 रहेंगे। वर्कपीस जो है स्टेशनरी होती है मिलिंग में, कटिंग टूल मूव करती है और कट करती है, टर्निंग में वर्कपीस जो है रोटेट करती है और टूल इज स्टेशनरी। फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ मोटर्स आर यूज्ड इन सीएनसी मशीन्स। सीएनसी मशीन्स में सर्वो मोटर्स या फिर इंडक्शन मोटर्स यूज होते हैं। सर्वो मोटर्स आर यूज्ड फॉर एक्स एंड जेड एक्सिस मूवमेंट ऑफ टर्रेट स्पिंडल रोटेशन। इंडक्शन मोटर्स आर यूज्ड फॉर सर्कुलेटिंग कूलेंट, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड हाइड्रोलिक ऑयल। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट इन एक्स एंड जेड एक्सिस इन सीएनसी टर्निंग। एक्स एंड जेड एक्सिस के लिए मूवमेंट के लिए सर्वो या फिर बॉल लीड स्क्रू मैकेनिज्म यूज होती है सीएनसी टर्निंग में। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ टरेट मूवमेंट इन सीएनसी टर्निंग। टरेट मूवमेंट के लिए सीएनसी टर्निंग में सर्वो मैकेनिज्म या फिर स्टेपर मोटर मैकेनिज्म या जेनिवर ड्राइव या फिर गियर मैकेनिज्म यूज होती है। सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट एब्रेसिव्स आर यूज्ड इन ग्राइंडिंग मशीन्स। ग्राइंडिंग मशीन्स में यूजुअली एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 यूज होती है या फिर सिलिकॉन कार्बाइड SiC यूज होती है। एट क्वेश्चन है, जो कि लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कटिंग स्पीड इन मिलिंग एंड टर्निंग। दोनों के फॉर्मूला लगभग सेम है, पाई इंटू डायमीटर into number of n मतलब RPM of the machine divided by 1000, pi dn by 1000, दोनों की यूनिट मीटर पर मिनट होगी। डिफरेंस ये है कि d मिलिंग में जो होगी डायमीटर ऑफ द टूल होगी, लेकिन टर्निंग में जो d होगी वो डायमीटर ऑफ द वर्कपीस होगी। आप मेरे वेबसाइट पे और भी इस तरह के आर्टिकल्स जो है विजिट कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू सीएनसी टेक्नोलॉजी, मैकेनिज्म, जनरल टर्म्स, एलिमेंट्स ऑफ सीएनसी।